प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बुधवार को होटल शिवविलास में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया गया। विधायक दल की बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, AICC पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, TS सिंह देव ने संबोधित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को 19 जून तक होटल शिवविलास में रहने के लिए कहा। हालांकि विधायक तैयारी के साथ नहीं आए थे, जिसके चलते एक दिन की छूट दी गई ताकि सब अपने जरूरी सामान ला सकें। वहीं आज 5 बजे होटल शिवविलास में ही फिर विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, राज्यसभा उम्मीदवार KC वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी खेल करना चाहती है। कुछ एजेंसियों से जानकारी मिली है कि जयपुर में बड़ी मात्रा में कैश पैसा पहुंच चुका है। 25-25 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन मुझे राजस्थान के विधायकों पर गर्व है। बिना किसी लोभ लालच के सरकार को स्थिर रखने का प्रयास कर रहे हैं। CM गहलोत ने यह कहा कि बीजेपी अपनी रणनीति में कभी कामयाब नहीं होगी, जनता सब जान चुकी है। खबरें आ रही है कैश बड़े रूप में पहुंच चुका है जयपुर के अंदर, जो खबर आती है सोशल मीडिया में आती है, और जिस प्रकार की खबर आ रही थी कि ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाला। हालांकि मध्य प्रदेश जो 22 MP गए हैं, वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुस नहीं पा रहे क्षेत्र के अंदर। लोग कहते हैं तुम तो 25 करोड़ में बिके लोग हो, किस मुँह से आए वापस? 5 साल ही भेजा हमने आपको, आप आ गए हो जल्दी, क्यों आए भाई? और बीजेपी वाला टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ की बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहता हम कहाँ जाएंगे। तो आज हो सकता है चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ पर कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। तो हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको लालच लोप देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए हमारे साथ में, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता है, कोई पद का लालच नहीं ना पैसे का लालच। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो राजस्थान की धरती पर होता है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का, कि सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान के अंदर। ये सोच करके पिछली बार में मुख्यमंत्री था तभी 6 विधायक आए थे BSP के, मर्ज करके थे, इस बार भी 6 ने मर्ज किया। इंडिपेंडेंट साथ देना हमारा कम। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, खबर ये आ रही है कि 2 दिन पहले निर्दलीय और कुछ कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आकर कहा था कि भाजपा उन्हें प्रलोभन दे रही है, और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे। क्या पूरी अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मनीषा, राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। दोनों पार्टियों ने 2-2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। हालांकि कांग्रेस के पास संख्या बल है, इसको देखते हुए कल विधायक दल की बैठक कांग्रेस की ओर से रखी गई थी। होटल शिवविलास में यह विधायक दल की बैठक हुई और कांग्रेस की रणनीति बनाई है कि 19 जून तक सभी विधायकों को एक साथ रखा जाए, एकजुट रखा जाए। जिस तरह के घटनाक्रम गुजरात में हुए, मध्य प्रदेश में हो, उसको देखते हुए कांग्रेस ने एहतियात बरतते हुए ये कदम उठाए कि उनको एक जगह रखा जाए। लगातार जिस तरह की खबरें आ रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी की ओर से विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। इसके चलते कल विधायक दल की बैठक रही, उसमें भी यही संदेश सभी विधायकों को मुख्यमंत्री और जो ऑब्जर्वर आए AICC के रणदीप सुरजेवाला और TS सिंह देव, सचिन पायलट PCC अध्यक्ष, उन्होंने यही संदेश दिया है कि सभी जो MLA हैं उनको एकजुट रहना है। जो निर्दलीय विधायक है 13 वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो ऐसे में किसी के प्रलोभन में नहीं आना है और सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए ये प्लान कांग्रेस ने बनाया कि 19 जून तक सभी विधायकों को होटल शिवविलास में रखा जाएगा, जिसके लिए कल विधायक दल की बैठक हुई। हालांकि कुछ विधायकों को ये ऐसी सूचना नहीं थी कि 19 जून तक उनको रखा जाएगा, तो ऐसे में उनको कल छूट दी गई कि जा सकते हैं। लेकिन आज फिर 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी। आज राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे वो जयपुर आ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी KC वेणुगोपाल वो जयपुर आ रहे हैं, तो आज शाम को फिर होटल शिवविलास में विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री सहित जो प्रदेश नेता और ऑब्जर्वर हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके बाद विधायकों को यह निर्देशित किया गया है कि 19 जून तक आपको यहीं रहना है एक साथ, ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना हो। विधायकों को खरीद फरोख्त की जिस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं, बिल्कुल एकजुट रहें और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार विजयी हो सके। बिल्कुल दिनेश, देखिए कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी रणनीति में कभी कामयाब नहीं होगी। हालांकि ये चीज प्रैक्टिकल भी है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। बिल्कुल मनीषा, देखिए कांग्रेस के पास संख्या बल है, ये बिल्कुल कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं और 3 सीटों के लिए राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जो सीटों का गणित है उसके हिसाब से कांग्रेस के पास संख्या बल है। 13 जो निर्दलीय विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ है। कल विधायक दल की बैठक में ये सभी विधायक हैं वो शामिल हुए हैं और 19 जून तक वो भी जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी बाड़ाबंदी में रहेंगे। पूरी एकजुटता दिखा रहे हैं कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है बीजेपी की ओर से। हालांकि जिस तरह एक रणनीति के तहत एक प्रत्याशी और एक्स्ट्रा उतारा गया है औकार सिंह लखाव, जिसको देखते हुए एहसास बढ़ता है, जिस तरह से गुजरात में घटनाक्रम हुआ, 8 विधायक वहां पर इस्तीफा कांग्रेस के दे चुके हैं, ऐसी खबरें भी आ रही थी कि बीजेपी की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कदम उठाया कि सभी विधायकों को 19 जून तक एक जगह रखा जाए, एकजुट रखा जाए, इसके लिए ये कदम उठाया गया। जी बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, लगातार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पूरा मोर्चा संभाल रखा है और उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी कभी अपनी रणनीति में कामयाब नहीं होगी।